अगर आपके अबू या आपकी वालिदा या मेरी वालिदा मेरे अबू अगर मेरे किसी आइडिया को पसंद नहीं करते, मेरे अंदर ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मैंने उन्हें कन्वर्ट करना है। आई शुड नॉट केयर फॉर एनी वन। तो आपने अपने आप को वैल्यू करना है। वर्च्यू ऑफ सेल्फिशनेस, इट साउंड्स वेरी बीस्टली, अगेन पीपल विल से यू आर प्रमोटिंग ईगोइज़म, लेकिन बात यह है कि हमने बिल्कुल सेल्फिशनेस की ऑपोजिट चीज़ क्रिएट की हुई है। सेल्फ नेगेशन, असैटिसिज्म, कंपैशन, ऑल्ट्रूइज्म कहते हैं इसको बेसिकली। टू लिव फॉर अदर्स, इट हैज़ नेवर वर्कड। इफ़ यू आर लिविंग फॉर अदर्स यू आर नॉट वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड देम एज वेल। अ पर्सन हु कांट लिव फॉर हिमसेल्फ कांट लिव फॉर एनीवन एल्स। सो एनी फिलॉसफी दैट अंडरमाइंस इंडिविजुअलिज्म इज नॉट माई कप ऑफ टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा, उम्मीद आपकी तबीयत ठीक होगी। ये थे सैयद मुज़म्मिल साहब, लिबरल कैंप के बड़े प्रोमिनेंट स्पीकर हैं। इस्लामाबाद में इनका ये सेशन हो रहा था जिसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं। वह बातें क्या की हैं? बुनियादी तौर पे लिबरल्स का असल चेहरा इन्होंने बातों बातों में आया कर दिया है और उसको एक्सपोज करना भी ज़रूरी है, लोगों के सामने लाना ज़रूरी है और साथ मोर इम्पोर्टेंटली उसकी जो रिबटल है वो भी ज़रूरी है कि उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। तीन चीज़ें हैं इन पर्टिकुलर छोटे से क्लिप की जो मैं रिस्पॉन्ड जिन पर मैं करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि इन्होंने कहा कि कोई आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी राइट में माइनॉरिटी हैं, वालदैन को भी कन्विंस करना आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि अल्ट्रुइज्म नेवर वर्क्स। और तीसरी बात जो कि मेन बात थी वो ये थी कि जो कलेक्टिविज़म है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इंडिविजुअलिज्म असल आपकी कामयाबी उसी चीज़ में है। वलेट्स गेट गोइंग शैल वी। वेल, पहली बात एक पैराडॉक्स से स्टार्ट होती है कि सैयद मुज़म्मिल लोगों को ये कन्विंस कर रहे हैं कि आपको अपने वालदैन को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। वाई शुड वी लिसन टू यू सैयद मुज़म्मिल साहब। एंड आई लाइक सैयद मुज़म्मिल साहब बाय द वे, क्योंकि हमारे लिबरल कैंप में सैयद मुज़म्मिल साहब की तरह के बड़े कम लोग मैंने देखे हैं। सैयद मुज़म्मिल साहब से आप इतफाक़ करें, इख्तलाफ करें, बट एटलीस्ट यू नो देयर इज़ अ वेरी एलिगेंट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग पॉइंट्स। बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। आमतौर पर लिबरल्स में गाली गलोच और ताने तुशने फतवे लगा देने के तुम लोग जाहिल हो, रिग्रेसिव हो, ये वो वगैरह वगैरह इस तरह की। मैं सैयद मुज़म्मिल की हर बात से इतफाक़ नहीं करता ऑफ कोर्स, लेकिन एटलीस्ट एक रीज़नेबल आदमी बज़ाहिर मालूम होते हैं कि उनसे एटलीस्ट एक कन्वर्सेशन की जा सकती है। लेकिन एलिगेंस और स्टाइल जो गुफ्तगू है, इट ओनली टेक्स यू सो फार। जब तक उसमें सब्सटेंस नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है सुनने का। अब इनकी बात का सब्सटेंस यू नो वो जो रिचर्ड डॉकिंस के बारे में बात कही जाती है मजाक में कि यू नो रिचर्ड डॉकिंस हैज़ मेड अ पर्पस ऑफ हिज लाइफ टू कन्विंस अदर पीपल दैट देयर इज़ नो पर्पस टू लाइफ। कि उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बना लिया है कि वो दूसरों को कन्विंस करे कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। दैट्स प्रीटी मच व्हाट सैयद मुज़म्मिल साहब इज़ डूइंग, कि वो कन्विंस कर रहे हैं और ये तवक्को कर रहे हैं कि लोग मुझसे कन्विंस हो जाएं इस बात पे कि आप अपने वालदैन को कन्विंस ना करें। भाई क्यों ना करें? डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं, वालदैन से हम कन्विंस हों क्यों ना, वालदैन को हम कन्विंस करें क्यों ना। वेयर एज़ हमारा रिलीजन इस पर बड़ा क्लियर है। एंड आई अंडरस्टैंड कि रिलीजन की एग्जाम्पल आमतौर पर लिबरल्स को अच्छी नहीं लगती हैं और मुझे पता नहीं है कि सैयद मुज़म्मिल साहब के रिलीजियस व्यूज़ क्या हैं, जो भी उनको मुबारक हो। लेकिन चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और जो लोग मुसलमान नहीं हैं लार्जली वो भी रिलीजियस हैं, वो हिंदू हों, क्रिश्चियन हों, सिख हों, कोई भी हों, तो हमारी कम से कम ये बेस प्रेमिस हवाले से तो बिल्कुल एक ही है कि हम एक कलेक्टिविस्ट माशरे में रहते हैं और कलेक्टिविस्ट माशरे में एक दूसरे को कन्विंस करना होता है, एक दूसरे से कन्विंस होना पड़ता है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो लॉजिकल रीज़न कि हम अपने वालदैन, यानी बेसिकली लिबरल्स हमारे बच्चों को ये बता रहे हैं कि आपके जहन में एक आइडिया आया है, आप वही काम कर लें, आपके वालदैन नहीं मानते, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गेट ऑन विद योर लाइफ। क्योंकि इनकी जो विजडम है वो इंपोर्ट होता है वेस्ट से, और वेस्ट में हमें पता है कि 18 साल की उम्र बड़ी क्रिटिकल होती है, उसके बाद कोई वालदैन को कन्विंस नहीं करता, अपनी अपनी ज़िंदगी में वो मगन हो जाते हैं और वालदैन भी कन्विंस नहीं करते। तो हमारा लिबरल बेसिकली पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है उसको इस तरह से तबाह करना चाह रहा है कि वो ये बता रहे हैं कि आप अपने आपके जहन में एक आइडिया है, नो वन हैज़ राइट टू टेल यू अदरवाइज, आप वही करें जो आप करना चाहते हैं, वालदैन का आपकी ज़िंदगी में कोई स्टेक नहीं है। That's actually this is what it has gone down to. Well, to that we say absolutely not. हम एक collectivist माशरा है और हमारी survival collectivism में है, individualism में नहीं है। इसी वीडियो के तीसरे हिस्से में जहाँ मैं individualism में बात करूँगा उसमें ज़्यादा तफसील से बात करूँगा कि individualism में actually problem क्या है। लेकिन बातों बातों में लिबरल्स का ये कम से कम एक जो शख्सियत का पहलू है वो सामने आ गया है कि ख़ानदानों को ये तोड़ना चाहते हैं कि वालदैन की कोई अहमियत नहीं है, आप उन्हें कन्विंस ना करें, बस अपनी मर्जी जो आपके दिल में आता है वो कर लें। दूसरी बात उन्होंने कही कि एल्ट्रुइज्म हैज़ नेवर वर्कड। और आई एम नॉट श्योर कि ये बात कहाँ से सुन ली है सैयद मुज़म्मिल ने। एल्ट्रुइज्म ऑलवेज वर्क्स, हमारी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है एल्ट्रुइज्म पे। एल्ट्रुइज्म बेसिकली के सेल्फलेस ज़िंदगी टू एन एक्सटेंट के आप दूसरों की मदद करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये कहें कि बस मैं ही मैं करूँगा जो कुछ भी करूँगा और मेरे लिए सारी दुनिया है, मेरी जो मर्जी आएगी मैं वही करूँगा, नहीं। आप जब सिस्टम में रहते हैं तो आप रूल्स बनाते हैं, उन रूल्स के तहत रहते हैं जिसमें आपको एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। सर्वाइविंग जो सोसाइटीज़ होती हैं वो ऐसे ही सर्वाइव करती हैं। फिर फिलॉसफी में एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म की बड़ी पुरानी बहस है कि हमारा जो एपिस्टेमोलॉजी है, सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारा, वो कहाँ से आता है। इज़ इट एम्पिरिसिज्म का मतलब यह है कि आप ज़िंदगी के तजुर्बात करते हैं, ज़िंदगी में मुशाहिदा करते हैं और उसकी वजह से उसके ज़रिए आप सीखते हैं। वेयर एज रैशनलिज्म यह है कि नहीं, हमारे अंदर प्री बिल्ड सर्टन इन्फॉर्मेशन होती है। मैं बड़ा वाटर डाउन वर्जन दोनों का बता रहा हूँ इसलिए कि वो मेरा टॉपिक नहीं है। नाउ मैं एम्पिरिसिस्ट खुद हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं रैशनलिज्म को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ओवर एम्पिरिसिज्म। ये बात मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ सैयद मुज़म्मिल साहब की इस बात के रिस्पॉन्स में? और इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बगैर किसी लगी लिपटी के कह दिया बड़ी बेपरवाही से कि altruism has never worked. Well, this is our human nature. हमारी इंसानों की नेचर है जो आप हमसे छीन रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप एक गैर इंसानी तरीके से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, क्योंकि इंसान जो है रैशनली स्पीकिंग, नॉट एम्पिरिकली, रैशनली स्पीकिंग समथिंग दैट वी आर बोर्न विद। एल्ट्रुइज्म एक ऐसी चीज़ है कि हम इसके साथ पैदा होते हैं ना। हाउ डू वी नो दैट? और इस पर तो बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज़ भी हैं। एक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि 19 महीने के बच्चे, सिर्फ 19 महीने के बच्चे, 100 बच्चा, उन पे यही स्टडी की गई कि देखते हैं कि इनमें ये जज्बा एहसार है दूसरों के लिए नहीं है। और रिजाउंडिंग जो उसकी फाइंडिंग थी, इस रिजाउंडिंग यस एब्सोल्युटली, छोटे छोटे बच्चे। अब ये एम्पिरिसिस्ट नहीं है, क्योंकि लोग कह सकते हैं, और मुझे पता है मेरी बात के जवाब में बहुत से लिबरल कहेंगे कि नहीं, आप एम्पिरिकली लर्न करते हैं कि जब आप दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो आपके लिए कुछ करता है, तो वो तो हमारा एक एक्वायर्ड या लर्नड एक हैबिट बन जाती है। मैं 19 महीनों के बच्चों के एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने दुनिया का तजर्बा या मुशाहिदा नहीं किया हुआ है, वो ये लेके पैदा हुए हैं कि हमने किसी और के लिए कुछ ना कुछ करना है। तजर्बे की तफसील में नीचे लिंक मैं आपको मैं दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी सारी स्टडीज़ क्या है। एंड देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी रिमार्केबल, और वो ये है कि ये नेचर पब्लिशिंग ग्रुप ने इसे पब्लिश किया है। अगर आप साइंस को फॉलो करते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, देन यू वुड नो कि नेचर, रॉयल सोसाइटी, आई मीन दीज आर सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश की जाती है। वहाँ पे एक बड़ी रिजाउंडिंग स्टेटमेंट है जो मैं पढ़कर सुना देता हूँ। वो लिखते हैं कि वी थिंक एल्ट्रुइज्म इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग ह्यूमन, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉरल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। यानी कि हमारा जो मॉरल फैब्रिक है, जो हमारी मोरालिटी है, जो हमारी अखलाकियात है, उसका बड़ा अहम हिस्सा एल्ट्रुइज्म है, जिसको सैयद मुज़म्मिल साहब ने बड़े ही बेनियाजी से कह दिया कि इट हैज़ नेवर वर्कड, it always works, that is why we exist, that is why we pay taxes. इसको आप ख़त्म कर दे तो पीछे एनार्की है, हर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक जो उसे अच्छा लगता है वो करना शुरू कर दे। आपका क्या ख्याल है कि ह्यूमन सोसाइटी कहते किसको हैं, माशरा कहते किसको हैं? मिलजुल के रहने की जगह को कहते हैं। तो जब आप मिलजुल के रहते हैं तो आप क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं। जब आप रूल्स बनाते हैं तो पर्सनल आज़ादियाँ आप कंसीड करते हैं, आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं। दैट इज़ हाउ द सोसाइटी ऑपरेट्स। तो ये कह देना कि एल्ट्रुइज्म इज़ नेवर वर्कड, प्रॉब्ली उन्होंने ये बात इसलिए कह दी थी कि हमारा जो पाकिस्तान में आमतौर पे जो सुनने वाले होते हैं वो वेरीफाई नहीं करते चीज़ों को, वो चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं। जैसे मस्जिद में मौलवी साहब होते हैं, वो तकरीर करते हुए कोई भी वाक़या सुना दें, आगे से वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह शुरू हो जाती है। नोबडी एक्चुअली फॉलोज इट। आप के ये बात ठीक भी कह रहे हैं या नहीं कह रहे, वो लिबरल कैंप में भी ऐसा ही है। सिर्फ वहाँ पे तस्बीह, दाढ़ी, टोपी ये नहीं होता, वहाँ पे एक अच्छे सूट वाला आदमी एलिगेंट तरीके से बात कर रहा होता है, जैसे हमारे शाह साहब कर रहे थे। और जो सामने सुनने वाले हैं वो भी जो भी सुबहान अल्लाह माशाल्लाह के इक्विवेलेंट है वही दे रहे हैं। एंड आई थिंक दिस कॉन्फिडेंस फ्रॉम दी इग्नोरेंस ऑफ पीपल इज़ अ डेंजरस थिंग, कि मुझे कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पे कि मैं जो मर्जी कह दूँ, कौन सा किसने वेरीफाई करना है। दैट्स जस्ट सिंपली रॉन्ग। तीसरी जो बात उन्होंने कही वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और वो ये है कि इंडिविजुअलिज्म ही असल चीज़ है, कलेक्टिविज्म में कुछ नहीं रखा हुआ। मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँ इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म क्या होता है। इंडिविजुअलिज्म यानी कि इनफरादियत, और कलेक्टिविज्म यानी कि इज्तमाइयत। इनफरादियत जो कि वेस्ट का माशरा है, पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ 100 साल से ये स्टार्ट हुआ है, और वो स्टार्ट बिल्कुल इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ पे इंसानों के लिए बड़ी हमदर्दी थी। इनफरादियत का मतलब यह है कि आप अपने आप को सेंटर में रखते हैं, आप माशरे को सेंटर में नहीं रखते, बल्कि आप एज एन इंडिविजुअल बहसीते फ़र्द आपकी अहमियत ज़्यादा है। क्या ये नज़रिया मुकम्मल तौर पे गलत है? वेल ऑफ कोर्स नॉट, मुकम्मल तौर पे तो गलत नहीं है, लेकिन क्या ये नज़रिया इसलिए लोगों को दिया गया था कि लोगों से बड़ी हमदर्दी थी? ऑफ कोर्स नॉट, ये भी बात ठीक नहीं है। इसका बरह रास्त ताल्लुक, सीधी सीधी बात है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैं, जो कैपिटलिज्म है, उसके साथ है। कि उससे पहले लोग फार्म्स पे रहते थे, सारी फैमिली इकट्ठे काम करती थी, लेकिन जब मज़दूरों की ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त एक नया आइडिया कि नहीं, आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना टैलेंट सामने लेके आएँ, आपकी हद है, आपके साथ तक जा सकते हैं। so on and so forth. एक कलेक्टिव कॉज के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए मेहनत करें ना। अगेन मैं ये नहीं कहता कि सारे का सारा गलत है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे सदर्न अमेरिका में ग़ुलामी ख़त्म की गई और हम उसका क्रेडिट दे दें अमेरिका को इसलिए कि उन्होंने ग़ुलामी ख़त्म की थी, इसलिए कि उन्हें ग़ुलामों का ख्याल आ गया था, वो दैट वुड बी इक्वली रबिश, क्योंकि उन्हें कोई ग़ुलामों का ख्याल नहीं आया था। जो नॉर्थ में फैली हुई इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा थी, वहाँ पर लेबर की इतनी ज़रूरत थी कि उन्होंने ग़ुलामों को एक नई तरह की ग़ुलामी दे दी। अगेन प्लीज़ आई डोंट वांट टू साउंड एज ए कॉम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट है, एब्सोल्युटली नॉट। मैं सिर्फ आपके सामने एक आइडिया से रख रहा हूँ कि कुछ चीज़ों के पीछे ये वजह होती है। तो इन दिस केस इंडिविजुअलिज्म इसके पीछे वजह बिल्कुल ये नहीं थी कि इंसानों का ख्याल बहुत आ गया था, वो एक बजाते खुद एक कौन है, इसलिए कि फैक्ट्रीज़ में मैसिव लेवल पे लेबर चाहिए थी। नाउ कदा नज़र इस बात के कि उसकी हिस्ट्री क्या है, हकीकत ये है कि इंडिविजुअलिज्म इज़ नॉट द सोल्यूशन। मिसाल के तौर पे आदाद शुमार हमें ये बताते हैं कि अमेरिका में अराउंड 40% शादियाँ नाकाम हो जाती हैं, टूट जाती हैं। वाई? बिकॉज पीपल एक्चुअली थिंक दैट दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन द फैमिली। फैमिली पीछे रह जाती है, इंसान आगे चला जाता है ना। अगर किसी लिबरल के लिए ये फिगर अलार्मिंग नहीं है कि 40% शादियाँ नाकाम हो जाती हैं और उनके नज़दीक ऐसा ही है कि बल चलो कोई बात नहीं, दैन आई थिंक वी नीड टू हैव अ वेरी सीरियस कन्वर्सेशन कि शादी की ज़रूरत क्यों होती है माशरे में। फिर इंडिविजुअलिज्म में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि चूँकि हर इंसान अपने लिए सोचता है और सोसाइटी उसको इंडोक्ट्रिनेट करती है, उसे बताती है कि तुमने अगर कामयाब होना है तो तुम्हारे बेंचमार्क्स ये हैं ना। उस बेंचमार्क की वजह से फिर अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कारखानों में मजदूरियाँ करते हैं, और बेंचमार्क जो बताए जाते हैं वो यही होते हैं कि तुम्हारे लिए घर चाहिए, तुम्हें अपनी गाड़ी चाहिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ें। एंड आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, लेकिन उसकी कॉस्ट सोसाइटी को फिर पे करनी पड़ती है। वो किस तरह से? वेल वो इस तरह से कि सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन डिक्लाइन का स्टार्ट हो जाती है। ये फिगर्स मैंने कई दफ़ा बताए हैं, दोबारा से मैं रिपीट कर दूं कि किसी भी आबादी को कायम रखने के लिए 2.1 का फर्टिलिटी रेट चाहिए होता है, कि हर औरत के ऑन एवरेज 2.1 बच्चे पैदा होने चाहिए। नीडलेस टू से कि 0.1 बच्चा पैदा नहीं होता, लेकिन मैं एक मैथमेटिकल एवरेज आपको बता रहा हूँ। और 1.1 जो है ये बड़ा डेंजरस फिगर होता है, इसलिए कि 1.1 पे आके इरिवर्सिबल डिक्लाइन स्टार्ट होता है। जो इंडिविजुअलिज्म वाले माशरे हैं यूरोप अमेरिका, वहाँ पे रिस्पेक्टिवली 1.6 और 1.7 पे ये आ चुका है 2.2 से गिर कर, इसलिए कि हर आदमी पड़ा हुआ है घर गाड़ी इस चीज़ के पीछे, अपनी ज़ात को आगे रख के वो सोच रहा है, माशरे को नहीं सोच रहा। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इट। फिर उसके साथ साथ जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, ये कोई एक दो स्टडीज़ की बात नहीं है, स्टडी आफ्टर स्टडी यही कन्फर्म करती है कि जब ज़िंदगी के मसाइल को फेस करना होता है तो वो माशरे जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है वहाँ पे स्ट्रेस भी ज़्यादा हुआ करता है। मैं एग्जांपल के तौर पर सिर्फ एक स्टडी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एसटीजी या सेरोटोनिन ट्रांसफर जीन, एक पर्टिकुलर जीन होती है हमारे जिस्म में। यूरोप के वेस्ट के आई शुड से 29 मुल्कों की, और अगेन ये रॉयल सोसाइटी में पब्लिश हुआ है, यू कैन लुक इट अप। 29 मुल्कों का डेटा ये बताता है कि वो जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म है वहाँ पे हमारी जो एसटीजी यानी कि जो सेरोटोनिन ट्रांसफर जीन है वो ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करती है, उसके ज़्यादा जो एपिसोड्स होती हैं वो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है। वाई? इसलिए कि एक तरफ तो अच्छी बात होती है कि जब आपने ज़िंदगी में अपने बारे में फैसले करने हैं तो इंसान सोचता है कि मैं आज़ाद हूँ, किसी ने मेरे बारे में फैसला नहीं करना ना। दैट्स रियली कूल पार्ट ऑफ इट, दैट्स ब्रिलियंट। लेकिन हम इंसान हैं, हमें हमेशा दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। जब ज़िंदगी में कोई जॉब के हवाले से, जिन्हें स्ट्रेसर्स कहते हैं, फाइनेंस एक स्ट्रेसर है, बिलोंगिंगनेस एक स्ट्रेसर एंड सो फोर्थ, जब वेस्ट के लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। और ये जेनेटिक और ये बेसिकली ये इस तरह का स्ट्रेस है जो जनरेशन में भी पास डाउन होता है। यही वजह है कि हमारे पास, अगर आप मैस्लो की हायरार्की थ्योरी को देखें तो उसमें सारे सेल्फ सेंटर्ड आइडियाज़ हमें मिलेंगे। मुझे लव और अफेक्शन चाहिए, मुझे शेल्टर चाहिए, मुझे फूड चाहिए, और उसके बाद जाके मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाऊंगा। गैलार्ड जैसे फिलोसोफर्स ने इसीलिए इस पे क्रिटिसिज्म किया है कि अगर ये सारे का सारा ही इंसान की कामयाबी के लिए चाहिए होता तो वेस्ट में तो आम आदमी को ये सारी चीज़ें मुयसर होती हैं। क्या वजह है फिर भी कि वहाँ बच्चों में स्ट्रेस हर साल की नस्बत पिछले साल की नस्बत हर साल स्ट्रेस बढ़ता है? क्या वजह है कि तलाक़ें वहाँ पर ज़्यादा होती हैं? क्या वजह है कि खुदकुशी वहाँ पे इट्स राइट एट द टॉप? दुनिया के वो जो हैप्पी कंट्रीज़ फिनलैंड वगैरह बताए जाते हैं हमें, वो हैप्पी होते नहीं हैं। वो बेसिकली हैप्पी का जो उनका जो मेजर है कि फलां फलां चीज़ आपके पास है तो आप हैप्पी हैं, उनके मुताबिक वो हैप्पी हैं। लेकिन आप फिनलैंड में अगर आप देखें, जो खुदकुशी है वो भी राइट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट है, पहले नंबर पे नहीं है लेकिन फेयरली क्लोज टू नंबर 1। लेकिन वो चूंकि हैप्पीनेस के क्वेश्चन में नहीं आता, देयरफॉर हम उसको कभी सोचते भी नहीं हैं। दिस इज़ व्हाट इंडिविजुअलिज्म डज टू पीपल। अभी अमेरिका में राइट दिस रगेड इंडिविजुअलिज्म, कितने अमेरिकन की जान इसी वजह से गई है कि जब स्टेट ने कहा कि आप लोग आइसोलेशन में जाएं, क्वारंटीन करें, सो एंड सो फोर्थ, लोगों ने अपनी ज़ात को सामने रखते हुए बात नहीं मानी कि हम एक कलेक्टिव माहौल में क्यों आए, वी आर द इंडिविजुअल्स, वी कैन मेक डिसीजंस फॉर आवरसेल्व्स। ये पब्लिश स्टडीज़ हैं। अमेरिका में बहुत सी जानें इसी वजह से गई हैं कि उसके पीछे एक इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया था। लेकिन हमारे सैयद मुजम्मिल साहब वो बता रहे हैं कि वेल एनीथिंग व्हिच इज अदर देन इंडिविजुअलिज्म दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी, और मे बी दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी सर, but it sure is a poison for the society, and that is why we have to respond to it, and I'll keep on doing this. I do say this with respect, main fatwa ya tashaddud ye that's not in me, lekin jab ek baat Sayed Muzammil sahab ne kahi thi na ki it has to be an absolute war, yeah, I agree with that. It has to be an absolute war so far as you're concerned, but the thing is that when you do come for the fight, Sayed Muzammil sahab, and by that I mean intellectual fight, you will find us ready, because ab koi option nahi reh gaya hai, aapne bhi apni game up kar di hai, and you will find the equally befitting responses. Thank you.